मानव समाचार मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार और मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर अली। आज 5 जनवरी मालेगांव कारपोरेशन में एक कॉन्फ्रेंस ली गई। इस कॉन्फ्रेंस में शहर के आला अधिकारी भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में आला अधिकारी ने कुछ खास मुद्दों पे बात की। आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं क्या है अहम खबरें। हम तीनों मिलकर हमने कुछ आज जगह पर विजिट की है, जिसके तहत 3 स्लॉटर हाउस और कुछ जगह पे हमने विजिट की थी। विजिट की वजह ऐसी थी कि स्लॉटर हाउस की जो प्रक्रिया है, जो कायदे कानून है, उस हिसाब से चल रहा है या नहीं। मतलब जो पोल्यूशन के बारे में जो उनको कुछ नॉर्म्स दिए हैं उसको वो फॉलो होते हैं या नहीं। सेकंड चीज़, उनके यहाँ पे जो काम कर रहे जो मजदूर हैं तो वो उनका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि काम करने वाला जो मजदूर है वो अपना प्रॉपर है या नहीं, या तो उसका क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड है, इसकी भी जांच होना ज़रूरी थी। सेकंड थिंग, जो पशु वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, उनकी कटिंग होती है, तो उसके लिए भी उनको कुछ कायदे कानून है, नियम है, उसके तो उसका भी पालन होता या नहीं, इस तरह से और कुछ बातें थी। तो इसके लिए तीनों भी डिपार्टमेंट ने मिलकर आज वहाँ पर विज़िट की है। उनके जो ओनर थे, वहाँ पे मैनेजर थे, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई है और उनसे कुछ रिपोर्ट भी मंगाया है। एडिशनल एसपी साहब ने उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है और उसका रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट एडिशनल एसपी साहब के पास जमा होने वाला है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी जाँच प्रॉपरली हो पाए। तो इस तरह से हमने कुछ जगह पर विज़िट की है। और एक बात थी कि सिटी के अंदर कुछ ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोगों ने मालेगांव महानगर पालिका का जो आरक्षण था जगह जगह के ऊपर, तो उसको कैंसिल न करते हुए अपने ही लेवल पर उसकी प्लॉटिंग करके उन्होंने इलीगल तरीके से उसको बेच दिया है। हालांकि वहां पे ट्रक टर्मिनस का, प्लेग्राउंड का आरक्षण था, उसी के लिए वो जगह इस्तेमाल होना एक्सपेक्टेड था। तो ऐसा ना होते हुए कुछ गरीब लोगों को वो प्लॉट बेच दिए गए हैं और वहाँ पे छोटे प्लॉट गिराकर कुछ पतरे के शेड वगैरह मकान उन लोगों ने बनाए हैं। तो ये ऐसे भी कुछ जगह पे हमने विज़िट की है और उसका हेतु यही था कि इसके आगे ये चीज़ नहीं होना नहीं चाहिए। लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि हम जो कुछ जगह परचेस कर रहे हैं उसका टाइटल हमारा चेक करना हमारी जिम्मेदारी है, और अभी जो जगह पे इस तरह से कुछ चीज़ें हुई है तो उस पर भी कार्रवाई 100% होने वाली है। तो ये आज का जो विजिट का था, ये मोटो मैंने थोड़े आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। स्लॉटर हाउसेस है वहाँ पे कुछ तकरार हमारे पास आई थी, वहाँ पे गोश का जो कटाई है वो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से और कायदे के हिसाब से सिर्फ वहाँ पे काला जानवर, मतलब भैंसा जो नॉर्थ में आता है, नॉर्थ में वही कट, मतलब उसका ही स्लॉटरिंग होना चाहिए। तो हमने वहाँ पे सीसीटीवी बिठाने के लिए जहाँ पे माल अनलोड होता है वो कंपलसरी कर दिया है। और दूसरा इशू, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, बहुत से लोग आउट ऑफ स्टेट के है, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। वो भी नोटिसेस हमने 8 दिन पहले इशू किया है, उसका भी चेकिंग हमने चालू कर दिया है। और बाकी फायर सेफ्टी है क्या, ये बातें सब इंस्पेक्शन टीम के जरिए, हमारे टीम के जरिए किया जा रहा है। बाकी लास्ट का जो यहाँ पे हमने 2 विजिट किए, वो इलीगल प्लॉटिंग का मसला था। वहाँ पे कुछ लोगों ने इलीगल प्लॉटिंग करके गरीबों को बेचे है, तो ये सीधा सीधा चीटिंग का यहाँ पे इंटेंशन हमें दिखाई दिया है। तो इसमें महापालिका इंक्वायरी करके हमारे पास रिपोर्ट भेजेंगी, उसके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करेंगे और जो भी कसूरवार है, जिम्मेदार है, उसको यहाँ पे उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और इसी तरह की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सबसे तेज, सबसे फास्ट, देखते रहिए मानव समाचार।